अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं अगेन सुजुकी के इंजन्स पे सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंजन दिखाऊंगा, कल्टस का हो गया, निसान का हो गया, उसके अलावा बलिनो का इंजन हो गया। ये सारे इंजन्स मैं आज आपको रिव्यू दिखाऊंगा इनका और स्पेसिफिकेशन बताऊंगा। और फिलहाल जो शॉप के ऑनर हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो जिनकी प्राइस लड़के को पता होंगी उसकी मैं डिटेलिंग आपको बता दूंगा, ठीक है, प्राइस वगैरह की भी। और बाकी इंशाल्लाह ताला जो कमेंट्स बॉक्स में आपको मैं बता दूंगा, अगर कोई मुझसे प्राइस पूछेगा तो मैं इसके ऑनर से कॉन्टैक्ट करके मैं आपको प्राइजेस वगैरह इसकी बता दूंगा, ठीक है। तो चलें लेट्स सी, देखते हैं वीडियो। अच्छा तो फ्रेंड्स, ये है निसान डेस का इंजन और ये लेटेस्ट मॉडल का इंजन है, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ आपको बताता चलूँ, ये है टर्बो, ठीक है, ये टर्बो का सिस्टम लगा हुआ है सारा, ये आप देख रहे हैं। और ये इसका EFI सिस्टम लगा हुआ है और बाकी इसकी माशाल्लाह जो ओवरऑल कंडीशन है ना बहुत अच्छी है, ये देखें जी, कहीं से लीकेज वगैरह नहीं है इसकी। अच्छा, और उसके बाद इसका ये सेल्फ, ठीक है, ये भी देख लें, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में। और कंप्यूटर वगैरह इसका इसी के साथ होगा, कंप्रेसर भी इसका साथ होगा और जनरेटर ऑफ कोर्स इसका साथ ही होगा, ठीक है जी। ये आपके सामने इंजन कंडीशन भी बिल्कुल इसकी 00 है। और दूसरी चीज़ फिर कहता चलूँ कि पाकिस्तानी और बाहर की चली चीज़ का ज़मीन आसमान का फ़र्क है बहुत ज़्यादा, ये आपके सामने है, ठीक है, कंडीशन आपके सामने है। चैम्बर वगैरह इसका बिल्कुल ठीक है, ऑयल चैम्बर जो होता है हर चीज़ इसकी ओके है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अच्छा आपको बताता चलूँ, एक तो ये टर्बो भी है और दूसरा ये हाइब्रिड है, ठीक है, 660 cc 12 वाल्व है और कंप्यूटर वगैरह इसका साथ है इसके, ठीक है, कंप्रेसर भी साथ है ना इसके, हाँ। और दूसरी चीज़ आपको बताता चलूँ, पहले भी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि इसका जो कंप्रेसर है ना, जो गाड़ी के साथ बोल्ट ऑन होता है ना, फिटिंग में होता है, ठीक है, उसके अंदर उसकी ओरिजिनल गैस होती है, जो इंजन के ऊपर से उतरा हुआ होगा ना उसके अंदर गैस नहीं होती, क्योंकि जब वो उतरेगा तो उसकी पाइपिंग वगैरह डिसकनेक्टिंग होगी तो वो उसमें से रिमूव हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा ये जो इंजन है ना, ये तकरीबन आपको मिलेगा 1,20,000 का, ठीक है जी, कंप्लीट इंजन और ऑटोमेटिक है ये, ठीक है। अच्छा तो ये है जी मिनी पजारो का, ठीक है जी, ये भी टर्बो में है और ये तकरीबन 2010 मॉडल जो है ना, 9-10 मॉडल, ये उसका इंजन है और कंडीशन आप देख लें इसकी, अभी सफाई वगैरह इसकी होने वाली है, ओवरऑल कहीं से इसकी लीकेज वगैरह नहीं है, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि ये जो इंजन है ना, ये 660 cc और 20 वाल्व इंजन है ये, ठीक है, ये देख लें। आजकल मैं इंजन्स पे इसलिए ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ कि इंजन्स की डिमांड जो है ना वो मेरे सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। और ये इसका जनरेटर भी आपने देख लिया है, कंप्रेसर भी इसका लगा हुआ है, ठीक है, और सेल्फ भी इसका उधर लगा हुआ है। और बाकी ओवरऑल कंडीशन देख ले, जस्ट सफाई है, ठीक है, क्लीनिंग होगी, कहीं से ये लीक नहीं है। ये इसका ऑयल चैम्बर भी देख लें, बिल्कुल ठीक है, कहीं से लीकेज वगैरह नहीं है इसकी, ठीक है, ये देखिए ये अंदर से। अच्छा इनकी जो अभी प्राइजेज है ना वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला, अगर आप कमेंट्स बॉक्स में पूछेंगे तो मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे जो ऑनर है ना शॉप के वो मौजूद नहीं है, क्योंकि रास्ते सारे आज उन्होंने बंद किए हुए हैं लाहौर के, तो इस वजह से वो आज शॉप पे आ नहीं सके, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ये मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में बता दूंगा कि इसकी क्या प्राइस वगैरह है।
अच्छा, और ये वाला जो इंजन है ना, ये ट्विन कैम है, ठीक है, ये आपने देख लिया होगा, ये वाला ट्विन कैम इंजन है। अच्छा, और ये पड़ा हुआ है जी बलेनो का इंजन, 1300 सीसी, ठीक है, ये अंदर से कंडीशन है इसकी। अभी इसकी भी सफाई वगैरह होने वाली है। ये बलिनो का मैनुअल गियर के साथ है, ठीक है, ये कंडीशन देख लें, सिर्फ इनकी सफाई वगैरह होने वाली है, और कोई मसला नहीं है इनका, ठीक है, मैनुअल गियर के साथ। और ये वाला इंजन जो है 1300 सीसी इंजन है इसका, और तकरीबन 1.5 लाख का ये आपको मिलेगा विद गेयर कंप्यूटर और मुकम्मल इंजन ये वाला, ठीक है, ये मुकम्मल आपको इतने का मिलेगा। और इसकी गारंटी होगी कि इंजन ओपन नहीं है, ठीक है, कि किसी किस्म का मसला नहीं है इसके अंदर, और ये इसका AFI सिस्टम है, ठीक है, ये आपको मुकम्मल मिलेगा। अच्छा, तो एक मैं आप लोगों को दिखाता चलूँ, ये कल्टस का इंजन पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आप देख लें, ये इसका AFI सिस्टम है, और ये देखें इसकी कंडीशन, ये जो हमारा ओल्ड मॉडल कल्टस थी ना, ये उसका इंजन है, ठीक है, ये देखें जी, ये देखें चैम्बर वगैरह इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कहीं से लीक नहीं है, ठीक है, कहीं से इसका चैम्बर वगैरह लीक नहीं है। फिलहाल प्राइस की तरफ से थोड़ी सी माजरत आप लोगों से चाहूँगा मैं, क्योंकि ऑनर अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, वो रास्तों की वजह से आपको बताया था कि वो आ नहीं सके। तो ये फ़िलहाल इनके पास सुजुकी के इंजन्स पड़े हैं, और इसके अलावा काफ़ी तादाद में इनके पास इंजन्स पड़े हुए हैं, ये देखें काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, ये आपके सामने है। एक्सेसरीज भी हैं हर किस्म की, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, ये देखें जी, ये देखें, ये थोड़ा सा ज़्यादा चला हुआ है, ठीक है, ये इसकी कंडीशन है अंदर से, ठीक है जी, ये बलिनो का इंजन है, ये देखें ये इसकी कंडीशन है अंदर से। और एक और है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी देख लीजिएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बाकी यही चीज़ें वाली देखने वाली होती हैं कि यहाँ से पता चलता है गाड़ी कितनी चली है, कितनी नहीं चली, ये चीज़ें देखने वाली हैं, ठीक है ना। ये आपके सामने, अब दूसरा भी मैं आपको ना अभी दिखाता हूँ। बाकी ये देखें इंजन, इंजन के साथ गियर वगैरह लगे हुए हैं, ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इस तरह से गियर के साथ भी, ये मैनुअल गियर के साथ ये गाड़ी का लगा हुआ है, और ये मित्सुबिशी का, ये देखें। अच्छा, ये जो इंजन है ना, ये देखें, ये उसकी निस्बत जो है ना काफ़ी बेहतर है, ठीक है, ये उतना नहीं चला हुआ जितना वो चला हुआ है, ठीक है, ये इस टाइम अपनी जर्मन कंडीशन में है, ठीक है, किसी किस्म की इसमें सफाई वगैरह कुछ भी नहीं किया गया, ये जस्ट ये खोल के सिर्फ दिखाते हैं, इसके अलावा कुछ इसके ऊपर कोई वर्क नहीं होता, ठीक है ना। एक ही इंजन पड़ा हुआ है, ये भी 1300 सीसी है, और सेम रेट पे इंजन होगा, गेयर बक्स इसका, कंप्यूटर और कंप्लीट इंजन आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, ये आप देख लें, ये देखें, ये नज़दीक से आप देखें, ठीक है जी, ये सीले वगैरह
हर चीज इसकी। देख लें जी, ये थोड़ा बॉडी है, ठीक है, ये ओरिजिनल पैकिंग में है, अभी तक ना ये ओपन नहीं हुई, ठीक है, ये आप देख लें, अभी तक ये ओपन नहीं हुई हुई, ये ओरिजिनल थ्रॉट बॉडी है। ये देख लें जी, ये जर्मन चलाओ गए, ठीक है, फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ जो बेल आइकन है इसे लास्ट में प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।